हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्टिक का झूला बनाना सिखाने जा रही हूँ। कई व्यूअर्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट बहुत टाइम पहले की थी, लेकिन कुछ कारण में डाल नहीं पाई, तो आज मैं फाइनली आपके लिए स्टिक का झूला लेके आई हूँ। और ऐसे ही मैं एक एक आपकी विश कंप्लीट करती जाऊँगी, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए प्लीज़। तो हमें इसके लिए चाहिए 2 कलर के माइक्रेम। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर ये सिंगल माइक्रेम में भी आप, मतलब सिंगल कलर में भी आप ये बना सकते हैं। और हमें चाहिए 4 स्टिक, ये 12 इंच की एक स्टिक है, ऐसे हमें वुड के 4 स्टिक चाहिए। ये हमारी 2 इंच की रिंग है, इससे हम हमारा झूला हैंग करेंगे। और कुछ मीडियम साइज़ मल्टी कलर बीड्स लिए हैं मैंने, कुछ मल्टी कलर बेल लिए हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी वॉल पीस में वीडियो डालती हूँ, तब मुझे व्यूअर्स पूछते हैं कि बीड्स कितने लगे, बेल कितने लगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि हर टाइम मैं, मतलब आपको बता नहीं पाऊँगी कि कितने लगे, और जितने लगेंगे आप उतने शॉप में मांगने नहीं जा सकते। ये ग्राम पर मिलते हैं, तो आपको ये ग्राम पर ही ख़रीदना पड़ता है। ये 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, इस तरह से ये बेल बीड्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में मिलते हैं, तो आपको ये ग्राम के हिसाब से ही लाना पड़ेगा। और एज यूजुअल लाइटर एंड सीजर। तो चलिए आज हम माइक्रेम से झूला किस तरह से बनाते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक स्टिक ली है, ये हमारी स्टिक 12 इंच की है, वुड की है। ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, कोई भी क्राफ्ट स्टोर पर ये मिल जाती है। तो इस स्टिक पर मैं कॉर्ड लगाऊंगी। ये हमारे कॉर्ड जो है 4 मीटर के है। मैंने जितने भी यहाँ पे कॉर्ड यूज़ किए हैं इस स्टिक पर, वो पूरे 4 मीटर के हैं। और मैं यहाँ पे 2 कलर कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। और मैं हर बार कहती हूँ, फिर एक बार कह रही हूँ, अगर कुछ मेजरमेंट कम ज़्यादा हो जाए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्चुअल मेजरमेंट देती हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी एक बार चेक कीजिए, तो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें ये कॉर्ड इस स्टिक से लगाने हैं, जैसे कि हम रिंग से अटैच करते हैं ना, उसी तरह से मैं ये वुड से कॉर्ड अटैच कर रही हूँ। इसी तरह से हमें पूरे कॉर्ड यहाँ पे अटैच करने हैं इस स्टिक से। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सभी कॉर्ड स्टिक से अटैच कर लिए हैं। ये हमारे सभी कॉर्ड 4 मीटर के हैं, सिंगल 4 मीटर है, 4 मीटर के सिंगल। और ये इसे टोटल कॉर्ड 34 लगे हैं, उसमें से ग्रीन कॉर्ड जो है वो मैंने 14 लिया है, 14 लिया है, और जो येलो कॉर्ड है वो मैंने 20 लिया है, टोटल 20 लिया है येलो। तो ऐसे पूरे टोटल कॉर्ड ये हमारे 34 हो गए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 4 कॉर्ड ग्रीन लगाया है, उसके बाद में मैंने 10 कॉर्ड यहाँ पे येलो लगाया है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे 6 ग्रीन कॉर्ड लगाया है, फिर से मैंने यहाँ पे 10 कॉर्ड लगाए हैं येलो, और फिर यहाँ पे मैंने 4 कॉर्ड ग्रीन लगाया है। इस तरीके से मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन किया है। आपको जैसे चाहिए, मतलब आप उस तरह से यहाँ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ये बहुत से डिफरेंट टाइप में ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम। तो अभी मैं यहाँ से सिंपल नॉट स्टार्ट करूँगी।
दो कॉर्ड के बीच के चार कॉर्ड लेके हमें यहाँ से सिंपल नॉट लगाने हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन लगा ली थी कॉर्ड डालने के बाद, क्योंकि वो कॉर्ड ठीक से बैठ जाए इसलिए मैंने, देखिए ये फर्स्ट लाइन तो मैंने लगा ली थी। उसी तरह से हमें यहाँ पे नीचे भी नॉट लगाने हैं। इस झूले की डिज़ाइन मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझसे की थी, इसलिए मैंने आज ये झूला डाला है। ये मैं थोड़ा सिंपल में ही आपको बता रही हूँ ये झूला। इसमें भी और बहुत से टाइप्स हैं डिज़ाइन के, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। पहला तो मैं सिंपल, मैं कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम जब दिखाती हूँ तो मैं सिंपल ही दिखाती हूँ, इसलिए मैंने ये भी झूला इस टाइम में सिंपल ही दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से यहाँ तक लगभग एक फुट से भी थोड़ा ज़्यादा मैंने ये किया है, मतलब 1.25 फुट तक हुआ होगा ये मेरा। ये मैंने सिंपल नॉट लगाया है यहाँ तक। उसके बाद में मैंने इस तरह से कॉलम तैयार किया है, ये 4-4 नॉट लगा के मैंने ये कॉलम बनाया है। और ये कॉलम जब मैंने स्टार्ट किया तब देखिए यह साइड में, देखिए ये कैसे हुक बनते जा रहे हैं। सेम इसी तरह से हुक मैंने यहाँ भी बनाया है, लेकिन ये हुक थोड़ा मैंने, मतलब यहाँ पे नॉट लगाते समय इसे थोड़ा लूज रखा है, क्योंकि बाद में यहाँ पे हमारी और एक स्टिक इसके अंदर जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे हुक थोड़ा नॉट लगाते वक्त यहाँ पे कॉर्ड थोड़ी एक्स्ट्रा लेके इस तरह से थोड़ा लूज रखा है। वैसे तो ये आ ही जाता है, देखिए यहाँ पे हुक आ ही जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लूज रखा है। सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी देखिए हुक थोड़ा लूज रखा है लास्ट वाला। और मैं यहाँ से फिर से नॉट लगा के कॉलम तैयार करूँगी। 4 नॉट लगा के मैंने कॉलम तैयार किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 नॉट लगा के ये कॉलम रेडी किया है। अभी सेम हम यहाँ पे देखिए नीचे ये जो हमारे दो कॉलम बनते हैं उसके बीच में हम फिर से सेम इसी तरह से कॉलम बनाएंगे।
तो ये चार नॉट का मैंने कॉलम बनाया है। अब इन दोनों के बीच के कॉर्ड लेके हम फिर से सेम उसी तरह से कॉलम बनाएंगे। तो ये भी कॉलम बन गया। अब देखिए ये दो कॉलम है, इनके बीच के मैंने कॉर्ड लिए फिर से। यहाँ पे मैंने एक फुट से भी थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1.25 फुट तक मैंने ये डिज़ाइन की है। आपको जितनी इसकी झूले की बैक साइड की हाइट चाहिए होगी आप उतनी ये डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने ये कॉलम वाला डिज़ाइन किया है, ये भी मैंने 1 फुट तक किया है, मतलब 12 इंच तक मैंने ये डिज़ाइन किया है। अब इसके आगे हमारी दूसरी जो स्टिक है 12 इंच की, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो उसके लिए ये थोड़ा मुश्किल है लगाना, क्योंकि ये देखिए ऐसा हिलता है, तो थोड़ा ध्यान से लगाइए। मैं पहले सभी कॉर्ड इसके ऊपर डाल लूँगी। मैंने इतने कॉर्ड डाल लिए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसे लॉक किस तरह से करते हैं। अभी एक एक धागा खींच के लीजिए इस तरह। ये हमें चार धागे मिल गए, इसे मैंने टाइटली खींच लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे नॉट लगाऊंगी। इस तरीके से फिर से मैं उसी तरह करूंगी। मैंने यहाँ पे चार कॉर्ड लिए, इसे मैं टाइट खींच लूंगी। फिर यहाँ पे इसे नॉट लगा दूंगी।
से ऊपर से डालूंगी। हमें सभी कॉर्ड इसी तरह से इस स्टिक से अटैच करने हैं। फिर इसे नीचे नॉट लगाना है। तो देखिए इसी तरह से हमें ये सारे कॉर्ड इस स्टिक से अटैच करने हैं। तो ये हो गया, ये हमारी स्टिक यहाँ पे लग चुकी है और नीचे हमारी एक लाइन नॉट लग चुके हैं। अभी हमें इसे फिर से कंटिन्यू करना है इस नॉट्स को, लेकिन अब हम एक एक नॉट कम करते चले जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे दो कॉर्ड छोड़ दिए, इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करनी है और यहाँ पे जो लास्ट दो कॉर्ड है इसे भी यहाँ से छोड़ देना है। इसी तरीके से सिंपल नॉट लगाते हुए हमें ये ट्रायंगल बनाना है। तो हमें इसी तरह से ये ट्रायंगल करते चलना है। तो देखिए ये हमारा ट्रायंगल बन के रेडी है। अब मैं यहाँ से ये सेकेंड कॉर्ड है फर्स्ट वाला मैं छोड़ दूँगी। देखिए फर्स्ट वाला छोड़ दूँगी और ये सेकेंड कॉर्ड है इसे लेके मैं यहाँ डिज़ाइन बनाऊँगी। तो देखिए अब मैं इसमें बीट्स डालूँगी, एक कॉर्ड छोड़ के एक कॉर्ड में मैं इसे डाल रही हूँ। देखिए
मैंने यहाँ पे कुछ बीट्स डाल लिए हैं, और अभी जो हमने अंदर की थी वही डिज़ाइन में यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगी। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। जैसे कि हमने इस साइड पर एक डिज़ाइन की थी, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे भी इस साइड पे भी सेम डिज़ाइन रिपीट करनी है। तो ये नीचे की डिज़ाइन हमारी बन के रेडी है। अभी हमें यहाँ पे इसकी सीट बनाने के लिए दो स्टिक चाहिए, तो चलिए अभी हम स्टिक बनाते हैं इसके। तो ये हमने और एक स्टिक ली है, और मैंने ये ग्रीन कलर का कॉर्ड लिया है इसे लपेटने के लिए। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जितना चाहे उतना, जितना लगेगा उतना ले लेंगे, बाकी का हम कट कर देंगे। पे मैं इसे कट कर लूंगी, और फिर से यहाँ से थोड़ा जलाकर इसे लॉक कर दूंगी जैसे कि हमने ऊपर किया था। तो ये हमारी एक रिंग रैप हो गई। हमें इसी तरह से और एक रिंग रैप करनी है। अब हमारी ये शीट भी रेडी हो गई है झूले की, और हमने दो स्टिक भी रेडी कर लिए हैं। अब हम झूला हैंग करने के लिए इस रिंग को पहले रैप कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे एक रफली गांठ लगा ली है, और अब मैं इस रिंग को रैप कर लूँगी। ये रिंग रैप करने के लिए मैंने आधा मीटर का कॉर्ड लिया है। ये कॉर्ड मैंने वेस्टेज से लिया है। अगर आपके पास भी जो आप कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं वॉल पीस में, अगर उसका कुछ वेस्टेज हो ऑलरेडी पहले से, तो आप वो वेस्टेज ऐसे छोटी रिंग रैप करने में वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी पूरी रिंग रैप हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर दूंगी।
बचा हुआ जलाकर लॉक कर दूंगी। तो ये हमारी रिंग रैप हो चुकी है। अभी हमें कॉलम बनाने के लिए कॉर्ड लेनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये कॉर्ड इससे अटैच किया है। ये ऊपर से डाल के बीच से इस तरह से खींच लेंगे। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हम यहाँ पे चार कॉलम बनाने वाले हैं झूला के लिए। जो बीच वाले हैं वो बैक साइड में आ जाएंगे दो कॉलम, और ये साइड वाले जो दो कॉलम हैं वो फ्रंट साइड में आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे जो साइड वाले कॉलम है दो, वो बड़े हो जाएंगे हाइट में, और ये थोड़े छोटे हो जाएंगे हाइट में। तो इसलिए मैंने ये जो बीच में चार कॉर्ड लगाए हैं, येलो दो और ग्रीन दो, तो ये कॉर्ड मैंने 3.5 मीटर के लिए है। 3.5 मीटर के मैंने ये कॉर्ड लिए है, चार, ये बीच वाले चार। और इसे देखिए, मैंने कॉम्बिनेशन इस तरह से किया है कि येलो मैंने दो बीच में डाला है और साइड में ग्रीन डाला है। और जो रही बात हमारे साइड वाले फ्रंट वाले जो कॉलम है वो मैंने 4 मीटर के लिए है, और वो भी मैंने फर्स्ट येलो उसके बाद में ग्रीन, यहाँ पे भी येलो बाद में ग्रीन, इस तरह से मैंने डाले हैं। और ये हमारी सभी कॉर्ड, मतलब ये साइड की जो चार कॉर्ड है, ये हमारे कॉर्ड 4 मीटर के है, 4 मीटर की कॉर्ड है, सिंगल कॉर्ड 4 मीटर की है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉलम बनाना। पहले हम सभी को एक एक नॉट लगा लेते हैं। तो देखिए, हमें ये दो कलर में कॉलम करने हैं। तो मैं फर्स्ट इस येलो कलर का अंदर डालूंगी, और यहाँ पे एक नॉट लगा दूंगी। देखिए, हमने यहाँ तक ये डिज़ाइन की है। मैंने यहाँ पे 10 नॉट लगाए हैं, और अब मैं इसमें बीट्स डालूंगी। मैं मल्टी कलर बीट्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी बीट्स यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने ये दो बीट्स लगाए हैं। अब मैं ये दो ग्रीन कॉर्ड है इसे अंदर लूँगी और येलो कॉर्ड को बाहर निकाल के यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगाऊंगी। सॉरी सिंपल नॉट नहीं, मैं सिर्फ एक ही साइड से अभी नॉट लगाती चलूँगी। हमें स्पाइरल नॉट लगाना है यहाँ पे। मैं सिर्फ इसी साइड से ये नॉट लगा रही हूँ। अभी हम यहाँ पे फिर से कलर चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने येलो को बीच में डाला और यहाँ पे सिंपल नॉट लगाऊंगी। मैं इसमें फिर से बीट्स डालूंगी। अब हमें यहाँ नीचे फिर से इसी तरह से नॉट लगाने हैं। यहाँ पे जितने हमने नॉट लगाए उतने ही यहाँ पे नीचे लगाएंगे। तो ये हमारा पहला कॉलम बन के रेडी है। हमें बीच वाला सेम दूसरा कॉलम इसी तरह से इसी सेम हाइट से बनाना है, इसी हाइट तक बनाना है और सेम पैटर्न हमें बनाना है। और साइड वाले दो बच्चे हैं उसको भी हमें सेम इसी तरह से इसी पैटर्न में लेकिन थोड़ा लंबा बनाना है इससे। तो ये हमारे कॉलम रेडी है। मैंने बीच वाले छोटे रखे हाइट में और साइड वाले दो बड़े रखे हाइट में। उसकी हाइट मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगी। अगर मुझे चाहे लगेगा तो मैं यहाँ पे और बढ़ा दूँगी या फिर थोड़ा कम भी कर दूँगी, वो मैं डिपेंड करता है साइज़ पर हाइट पर। तो मैं पहले बीच वाले दो लगा लूँगी। तो ये हमें यहाँ पे लगाने हैं। हमें यहाँ पे इसे इस तरीके से सिंपल नॉट लगाने हैं।
येलो कॉर्ड मैंने नीचे डाले हैं स्टिक के, और ऊपर से ये ग्रीन कॉर्ड लिए हैं। यहाँ पे मैं इसे नॉट लगा दूंगी। इसी तरह से यहाँ का भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने नॉट लगा लिया है। अब यहाँ पे मैंने ये करते समय आपको कहा था यहाँ पे थोड़ा लूज हुक रखिए। अब हम उसमें हमारी स्टिक डालेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे तो आपको दिखाया ही ये किस तरह से अंदर डालते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा लूज हुक छोड़ा था, मैंने उसमें वो डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक नॉट लगा के थोड़ा गैप यहाँ पे रखा है के लिए। अभी मैं ये जो स्टिक है इसके अंदर डालूँगी। मैंने थोड़ा टाइट ही किया है क्योंकि अगर लूज किया तो बाद में वो और लूज हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइट रखा है। ये गया इसके अंदर। अभी हमने इसे यहाँ पे मैंने पीला जो येलो कलर का धागा है उसे अंदर डाला है, ग्रीन कलर के धागे बाहर डाले हैं। मैं यहाँ पे इसे नॉट लगा दूंगी। ऊपर में और दो पीस डालूंगी। बाकी का कट कर देंगे हम। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी मैं दो बिट्स लगाऊंगी। तो अब हम इसे एक्स्ट्रा जो कॉर्ड बचे हैं उसे हम कट कर देंगे। देखिए मैं ये यहाँ तक इसका बेल हैंगिंग छोड़ दूंगी। 3 इंच तक मैंने इसे कट कर दिया, 3 इंच रख के। सेम उतना ही मैं यहाँ पे लूँगी। यहाँ पे हम बेल लगा देंगे और नीचे का हमेशा की तरह हम क्रॉस में कट कर देंगे।
सेम इसी तरह से हम यहाँ का भी कट कर लेंगे। ये डबल बेल है, इसे मैंने इसके अंदर डाला। चलाकर इस तरीके से फिर इसे उंगलियों से प्रेस कर दिया तो ये लॉक हो गया। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी लगाऊंगी। और अभी यहाँ पे नीचे ये जो ऊपर वाले कॉर्ड थे उसके ये चार कॉर्ड है, तो इसे मैं यहाँ पे थोड़ा लंबा कट किया मैंने, क्योंकि ये इस डिज़ाइन से अलग दिखे इसलिए। सेम इसी तरह से यहाँ का भी मैं लगा लूंगी बेल। तो इस तरह से हमारा ये झूला स्टिक का झूला बनके रेडी है। मेरे बहुत व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी और बहुत टाइम से कर रहे थे, तो आज मैंने फाइनली ये डाल दिया है। और ये जो बेल है नीचे का, जैसे कि मैंने ये आपको बताया था ये किस तरह से लगाते हैं, उसी तरह से मैंने ये बेल लगाए हैं। अब यहाँ मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बिट्स कोई भी बेल आप यूज़ करके बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये छोटे जो कॉलम है यहाँ पे अटैच किया है और बड़े कॉलम मैंने यहाँ पे पहले इसे हुक करके इसमें डाल के फिर यहाँ पे नीचे अटैच किया है, और ये भी पीछे मैंने हुक करके स्टिक यहाँ पे डाली है। तो इस तरह से हमारा ये लकड़ी का झूला लकड़ी के स्टिक का झूला बनके रेडी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।